अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये टोयोटा कैमरी 2012 मॉडल है। इसका चेक इंजन का लाइट आ रहा है और इसका जो प्रॉब्लम है ना, वो है कि इसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। आपको अभी दिखा रहा हूँ इसका एक्सीलेटर, देख सकते हैं ये एक्सीलेटर है, काम कर नहीं रहा है। इसको पूरा पूरा प्रेस करने पे भी नम पूरा प्रेस करके रखने पे तो ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको मैं पहले स्कैनर में चेक करता हूँ क्या कोड आ रहा है। इसको पुश कर देता हूँ यहाँ से। इसका जो कोड आ रहा है P2127 टोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच ई सर्किट लो। ठीक है, और सेम ही कोड है सब में। ठीक है, करंट में, स्टडी में और पेंडिंग में भी सेम कोड है। इसको क्लियर करके देखता हूँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर करने पे क्लियर हो गया है, अभी कोड नॉर्मल नॉर्मल आ रहा है। फिर से इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। नॉर्मल नॉर्मल आ रहा है, मतलब अभी बराबर है। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, चेक इंजन लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी गाड़ी अपना स्टार्ट है और चेक इंजन लाइट नहीं है। ठीक है, और अब देखते हैं एक्सीलेटर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक्सीलेटर को प्रेस किया हो ना, तो चेक इंजन लाइट आ गया है और इसका एक्सीलेटर काम भी नहीं कर रहा। मतलब प्रेस करके रखेंगे ना तो ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, और फिर से इसका कोड देखता हूँ जो प्रॉब्लम है। सेम आया, कोड देख लेता हूँ सेम कोड है कि नहीं है। इसका जो कोड आ रहा है, देख रहे हैं सेम कोड आ रहा है। तो इसको क्या है ना, अभी लाइव डाटा में चेक करेंगे, एक्सीलेटर पैडल में प्रॉब्लम है कि टोटल बॉडी में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है वो चेक कर लेता हूँ। इसका एक्सीलेटर सेंसर किधर गया, पूछे सेंसर, ये सेंसर वन आउटपुट हो गया, ये सेंसर टू। फिर इसका टोटल बॉडी का भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल बॉडी पोजीशन वन, पोजीशन टू, ओके करता हूँ। ये अपना एक्सीलेटर सेंसर आउटपुट नंबर वन का 0.801 वोल्टेज इसका शो कर रहा है, और एक्सीलेटर सेंसर आउट टू नंबर टू का 0 शो कर रहा है। मतलब इसका एक्सीलेटर पैडल है ना, नंबर टू वाला जो है वो काम नहीं कर रहा है। देखिए, अभी एक्सीलेटर प्रेस करने पे वन काम कर रहा है, टू में कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है, और टोटल बॉडी पोजिशन सेंसर वन में रीडिंग आ रहा है 0.84 आ रहा है। फिर टोटल पोजिशन सेंसर टू में 2.422 इसका शो कर रहा है। मतलब इसका टोटल बॉडी का है ना, ये अपना सेंसर का जो है वोल्टेज बराबर इधर शो कर रहा है, मतलब ये काम कर रहा है टोटल का। एक्सीलेटर पैडल का जो है ना, इसका नंबर दो नंबर सेंसर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो इतना कंफर्म हो गया, जो प्रॉब्लम है ना, इसका एक्सीलेटर पैडल में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसका एक्सीलेटर पैडल काम नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करूँगा इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से भी इसको है ना डायरेक्ट गूगल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑटो कोड में चेक करता हूँ यहाँ क्या क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है ना, फॉल्टी एक्सीलेटर पैडल पोजिशन सेंसर, या एक्सीलेटर पैडल इसका ख़राब हो सकता है, या एक्सीलेटर पैडल पोजिशन सेंसर हार्नेस इज ओपन और शॉर्टेड, या तो इसका फेसर है ना निकला होएगा, या वो कहीं से इसका वायर ब्रेक हो सकता है वो बता रहा है। एक्सीलेटर पैडल पोजिशन सेंसर सर्किट पुअर सर्किट कनेक्शन, या तो इसका कनेक्शन लूज हो, या वो जो वोल्टेज आना चाहिए ना उतना वोल्टेज आ नहीं रहा है। और लास्ट में बता रहा है फॉल्टी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब ECM, या तो इसका लास्ट में इसका गाड़ी का जो ECM है ना कंप्यूटर, वो ख़राब हो सकता है। मतलब इतना चीज़ वो बता रहा है चेक करने के लिए। तो पहले मैं इसका है ना
वायरिंग चेक करेंगे, ठीक है ना, किसका वोल्टेज जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो इसमें ग्राउंड आना चाहिए और दो 5 वोल्टेज आएगा और दो इसका आउटपुट सिग्नल होएगा, ठीक है। तो इसका मैं पहले है ना इसका पहले वायरिंग चेक करता हूँ, वोल्टेज बराबर है कि नहीं है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसका स्लाइडर पैडल सेंसर का फीसर है, ठीक है, तो इसको मैंने निकाल लिया हूँ। इसका अंदर का ग्रिप ये मैंने निकाल लिया हूँ, ये वाइट वाली, ये वाइट वाली इसलिए निकाल लिया था कि इसके अंदर क्या है ना मल्टीमीटर का वो पिन अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो चेक करने के लिए निकाला हूँ। ये पहला वाला जो वायर है वो 5 नंबर वोल्टेज है, फिर दूसरा वाला इसका आउटपुट सिग्नल है, तीसरा वाला ग्राउंड है, फिर इसका चौथा वाला 5 वोल्ट है, फिर इसका आउटपुट सिग्नल है, फिर इसका ग्राउंड है, ठीक है। मतलब एक साइड तीन सेंसर, तीन वायर एक सेंसर में जा रहा है, फिर वो तीन वायर एक सेंसर में जा रहा है। तो इसका मैं वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो पहले वो एक साइड का इसका है ना चेक कर लेता हूँ। तो देख रहे हैं इसका 5 वोल्ट इसका बराबर आ रहा है, जैसा कि आपको बताया था चौथा वाला में 5 वोल्ट आएगा, बाकी वो इसका आउटपुट है, एक इसका ग्राउंड है। तो आउटपुट वाला में भी इसका ग्राउंड ही शो करेगा, ठीक है। ये इसका फिर 5 वोल्ट हो गया, ये इसका इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 आ रहा है, इसमें ग्राउंड आना चाहिए 12 वोल्ट। और ये इसका आउटपुट वाला में ग्राउंड आ रहा है, पर इसका जो ग्राउंड आना चाहिए उसमें ग्राउंड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, देख रहे। ये तीसरा नंबर वायर में इसका कुछ शो नहीं कर रहा है, ना ही 5 वोल्ट शो कर रहा है, ना ही तो ग्राउंड, मतलब कुछ शो ही नहीं कर रहा है, देख रहे। तो मतलब इसका जो इधर से तीसरा वायर में है ना वो उसमें ही फोल्ड है, जब तक वो उसमें लाइन नहीं आएगा ये अपना एक्सीलेटर पैडल का जो सेंसर है ना वो काम नहीं करेगा, क्योंकि नंबर 1 काम कर रहा था, नंबर 2 काम नहीं कर रहा था। इसका वायरिंग मैंने पूरा निकाला हूँ बाहर खोल के, तो इसका देखा हूँ कि किसी ने स्टार फिटिंग किया है, जो अलग से वो स्विच लगाते हैं ना एक्सीलेटर में, तो इसने अलग से वो स्विच लगा हुआ था। तो इसका जो वायर देख रहे हैं इधर से पूरा वायर का कनेक्शन इसका बराबर लगाया नहीं था इसने, ये बीच में से कट करके है ना इसे जोड़ा हुआ था, जो कनेक्शन है इसका पास नहीं हो रहा था, ठीक है। ये लाल वाली वायर है ना, ये इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, ग्राउंड आना चाहिए, जिसमें इसमें ग्राउंड शो नहीं कर रहा था। इधर से बताया था आपको तीन नंबर वायर है, ठीक है, एक दो तीसरा, तीसरा वायर जो इधर का लाल वाला है, ये लाल वाला वायर में ग्राउंड नहीं आ रहा था, इसकी वजह से वो क्या अपना सेंसर काम नहीं कर रहा था। तो इसको मैंने पूरा वायरिंग इसको रिपेयर करता हूँ, ठीक है ना। इसका ये वाला जो कनेक्शन अलग से लगा रखा है ये सबको काट के हटा दूँगा, और इसका वायर भी छोटा पड़ रहा है, तो अपने तरफ से इसका वायरिंग लगा के इसको पूरा कनेक्शन कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अपना वायरिंग है ना पूरा रिपेयर कर लिया हूँ, देख सकते हैं। इसको रिपेयरिंग है ना इस तरह से करें जो पूरा ओरिजिनल साइड पे हो ना, कि बाद में फिर ये निकलने का डर उड़ ना हो, क्योंकि पहले जो वायरिंग क्या हुआ था ना वो बराबर किया नहीं था, वो एक्स्ट्रा फिटिंग की वजह से उसने ऐसा ही छोड़ दिया, बराबर लगाया नहीं, जिसकी वजह से वो लूज कनेक्शन होने की वजह से है ना इधर वो लाइन नहीं आ रहा था। इधर से वो तीसरा पिन है ये वाला, ठीक है ना, तो इसमें वो लाइन नहीं आ रहा था, ठीक है, ये रेड वाली वायर में। तभी इसका आपको है ना वोल्टेज भी चेक कराता हूँ, पहले जो लाइन नहीं आ रही थी अभी लाइन आ रही कि नहीं आ रही वो भी आपको चेक कराता हूँ। देख सकते हैं पहले इसमें क्या ना वोल्टेज शो नहीं कर रहा था, कुछ ही वोल्टेज शो नहीं कर रहा था, अभी देख रहे हैं इसमें वोल्टेज शो कर दिया है, मतलब कि इसमें ग्राउंड पहले नहीं आ रहा था, तो अभी क्या ग्राउंड आ रहा है, ठीक है ना। और इसको मैं फिर से लगा के पहले आपको चेक करा देता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको बाद में इसको फिनिशिंग करेंगे। अभी इसका चेक इंजन लाइट है अभी क्लियर किया नहीं हूँ, ठीक है, पहले आपको चेक करा देता हूँ इसका एक्सीलरेटर पैडल काम कर रहा है कि नहीं, देख रहे अभी बराबर काम कर रहा है। पहले क्या था ना ये बराबर काम नहीं कर रहा था, तो क्या है इसका पहले फोल्ड है ना वो क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है, इसको थोड़ा पुश करता हूँ। इसका जो भी फोल्ड कोड है ना उसको पहले सेलेक्ट करके पहले क्लियर करूँगा, ठीक है, बहुत सारा कोड आ रहा है इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि एक्सीलेटर पैडल जिसने खोला था ना उसको वजह से पूरा उसका कोड आ गया था। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे
नॉर्मल नॉर्मल कोड आ रहा है। ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चेक इंजन लाइट नहीं है और एक्सीलेटर पैडल देता हूँ। देख रहे हैं, पहले क्या ना एक्सीलेटर पैडल देने से चेक इंजन की लाइट आ जाती थी और ये एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा था। अभी देख रहे हैं बराबर काम कर रहा है। इसका लाइव डाटा में भी आपको चेक कराता हूँ। पहले लाइव डाटा में क्या ना सेंसर 2 में वो कुछ वोल्टेज शो नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सेंसर नंबर 1 2 दोनों हो गया। देख रहे हैं, ये अभी अपना आ रहा है, पहले आ रहा था और ये नंबर 2 में कुछ नहीं आ रहा था। एक्सीलेटर सेंसर आउट नंबर 2 में कुछ शो नहीं कर रहा था वोल्टेज। अभी बराबर वोल्टेज भी आ गया है। तो इसका जो प्रॉब्लम था ना वो इधर लाइन नहीं आ रहा था, सेंसर ने काम नहीं कर रहा था इसका नंबर 2 वाली। तो उसका वायरिंग है ना, अंदर से वायरिंग फोल्ड मिला था, वायरिंग इसका हार्नेस था, तो वायरिंग अपना रिपेयर कर देने की वजह से भी बराबर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अपना जो प्रॉब्लम है ना अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।